सिंघम साहेब अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सिंघम 3 को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, जानिए क्या मेकर्स का प्लान। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन अपनी जबरदस्त एक्टिंग और फिल्मों में एक्शन के लिए जाने जाते हैं। अब उनकी अपकमिंग फिल्म सिंघम 3 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसको जानकर उनके फैंस फूले नहीं समाएंगे। सिंघम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की जानकारी आने के बाद से ही फैंस अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सिंघम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म सिंघम 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ई टाइम की रिपोर्ट की माने तो इस वक्त सिंघम 3 की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और रोहित शेट्टी अपने और प्रोजेक्टों से फ्री होकर इस फिल्म की शूटिंग को शुरू करेंगे, लेकिन फिल्म पर फ्लोर पर जाने में अभी कुछ वक्त लगेगा। रिपोर्ट की माने तो रोहित शेट्टी इन दिनों सर्कस के निर्देशक में व्यस्त है, जबकि अजय देवगन भोला, दृश्यम 2 और मैदान की शूटिंग में व्यस्त है। साथ ही अजय और रोहित अप्रैल 2023 में सिंघम 3 की शूटिंग शुरू कर सकते हैं और ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी कॉप यूनिवर्स फिल्म होगी। हालांकि अभी इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें, साल 2011 में आई सिंघम फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म सिंघम में अजय देवगन ने एक पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंघम का मुख्य किरदार निभाया है, जो एक भ्रष्ट राजनेता जयकांत शिकरे को सबक सिखाने का फैसला करता है। वहीं साल 2014 में सिंघम का सीक्वल सिंघम रिटर्न रिलीज हुआ था, जो फैंस को काफ़ी पसंद आया। इस फिल्म में अजय देवगन अपनी टीम के एक अधिकारी की मौत की जांच करते हैं, तभी वो हाई प्रोफाइल राजनेताओं से संबंध रखने वाले बाबा जी से मौत के कनेक्शन का पता लगाते हैं। बता दें कि रोहित शेट्टी सिंघम, सिंघम रिटर्न, सिम्बा, सूर्यवंशी जैसी फिल्मों से समाज में पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली को बड़े पर्दे पर उतार चुके हैं, जो फैंस का दिल जीतने में कामयाब रही।